जैन कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को सुरक्षा एवं व्याख्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को कानूनी और सुरक्षा से संबंधित जानकारी एसपी द्वारा दी गई। मदद करें और उसको जाकर के उन आदमियों को पकड़ा और अंदर बंद कर उनके खिलाफ अपराध रजिस्टर कर और उसको अब वो लड़की आसानी से जा। वो लड़की यहाँ तक आई, उसने अपनी बात कही और उसकी बात पर एक्शन हुआ, इसलिए वो बहादुर लड़की। उस लड़की के लिए हम लोगों ने अब राज्य स्तर पर इनाम का प्रस्ताव भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, आगे आए। आप लोग तो शहर में रह रहे हो, तो गांव में रह रही, गांव से भी रोज आना जाना करना है, फिर भी उसने हिम्मत रखी। और हम लोगों को क्यों अच्छा लगा? कि उन्होंने हम पे आस्था रखी, हम पे विश्वास किया, तो हमें भी उनके विश्वास पर खरा उतरना है। 100 नंबर पुलिस का इमरजेंसी नंबर। 100 नंबर पे एक लड़की ने फोन किया और बोला कि मुझे ये व्यक्ति बार बार SMS कर। तो उसने 100 नंबर पे फोन किया। 100 नंबर पे जब फोन किया तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने उसका विश्लेषण किया और हमने जांच की, तो उस पर से उस व्यक्ति के क्योंकि SMS है तो फोन नंबर उसका भी आ गया, तो हमने उसको धर दबोचा। उसको धर दबोचा तो पता चला कि उसकी सहेली का पुराना मित्र था जो इस लड़की को भी जानता था और उल्टे सीधे नाम से वो उसको परेशान करता। तो मतलब अपनी आइडेंटिटी कुछ और बता के, जैसे सुरेश नाम है तो महेश बता के उसने उसको वो किया। और जबकि हमने जब फोन से ट्रेस किया तो वो लड़का निकला, तो हमने उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। और वो लड़की घर से कॉलेज आते समय और जाते समय, दूसरा किसी भी तरह के अगर इस तरह की आपको जो असामाजिक तौर बच्चे अगर कमेंट्स करते हैं तो आप सशक्त रूप में आप उनसे बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल आप उसका मोबाइल जो आपको भी मैडम का दिया गया है उस मोबाइल पे लगाइए। अभी और भी नंबर हम आपको डिस्प्ले पे देंगे, उन नंबरों का यूज़ करेंगे, तत्काल आपकी समस्याओं का समाधान होगा और इस तरह आप एक सशक्त रूप में अपने कॉलेज में भी वो रहेंगी और जो समस्याएं आपकी हैं उनका निदान किया जाएगा और बाकी जो कानूनी प्रावधान है वो हमारे सर ने आपको अवगत कराए गए हैं और उनका विस्तृत ज्ञान और धाराओं सहित भी आपको प्रत्येक मंगलवार को जो मीटिंग लेगी हमारी सोशिया खान मैडम, तो उनसे आप अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।